हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन क्लास नाइन्थ का मैथ्स का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ्स के सिलेबस के अंदर अब की बार थोड़ा चेंज हुआ है। अब की बार इसके अंदर एनसीईआरटी का जो सिलेबस चला करता था वो यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। इस सिलेबस के अंदर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है, कुछ टॉपिक को एड किया है यहाँ पे और कुछ टॉपिक यहाँ से हटा दिए गए हैं। आज अपन एक चैप्टर पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर 10th क्लास में भी है और आपने 8th क्लास में भी इसका थोड़ा बहुत पार्ट पढ़ रखा है। इस चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें अपन पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में, इसमें अपन पढ़ेंगे कोब के बारे में, इसमें अपन पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में और पढ़ेंगे अपन कोण के बारे में और स्फीयर के बारे में। इन सब का अपन सरफेस एरिया निकालेंगे और इनका वॉल्यूम निकालेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, ये आपने 8th क्लास में पढ़ रखा है। क्यूबॉइड एक सॉलिड होता है, इसकी कितनी फेस होती है, 6 फेसेस। 6 फेसेस होती है, वो सभी फेसेस किस शेप में होंगे, रेक्टेंगल शेप में। जो क्यूबॉइड है वो रेक्टेंगल शेप से मिलके बनता है। क्यूबॉइड किस तरीके से बनेगा, ये रेक्टेंगल है, ऐसे मेरे पास कितने रेक्टेंगल होंगे, टोटल 6 रेक्टेंगल है, 6 फेसेस होंगे इसमें। आपने रूम देखा होगा अपना, वो रूम किस शेप में होगा, क्यूबॉइड शेप में। आपने डस्टर देखा होगा, वो किस शेप में होता है, क्यूबॉइड शेप में। आपने जो ब्रिक देखा है, ब्रिक भी किस शेप में होता है, क्यूबॉइड शेप में। ये अपना क्यूबॉइड है, ठीक है। इसके अंदर थ्री डायमेंशंस होती कौन कौन सी, इसको अपन मान लेते हैं लेंथ है ये वाली, ये इसकी विड्थ हो गई और ये इसकी हाइट हो गई। सबसे पहले बात करते हैं अपन इसमें जो सिक्स स्पेसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सिक्स स्पेस कौन से होते हैं, आप अपने रूम को देखो, रूम के अंदर कितने स्पेसेस होते हैं, सिक्स स्पेसेस। कौन कौन सी, एक जो रूम का टॉप होता है 1, एक रूम का जो फर्श होता है 2, ठीक है, एक रूम की इस साइड वाली दीवार 3, एक इस साइड वाली दीवार 4, ठीक है, एक पीछे वाली दीवार 5 और एक आगे वाली दीवार 6। तो कितनी फेसेज होगी टोटल, 6 फेसेज। हम बोल सकते हैं क्यूबॉइड के अंदर कितनी फेसेज होती है, टोटल 6 फेसेज होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन इसके जो एजेस होते हैं वो कितने होते हैं। एजेस कौन कौन से, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एजेस कितने हो टोटल, एजेस हो गए इसके अंदर 12, ठीक है। एजेस क्या होते हैं, टू वर्टिक्स को मिलाने वाली जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, टू वर्टिक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है, एज होती है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब इस जो क्यूबॉइड है इसका टीएसए निकालेंगे, टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया, ये अपन फाइंड करेंगे। तो देखो ये अपना क्यूबॉइड है, ये अपना क्यूबॉइड हो गया। इसके अंदर आपको पता है 6 स्पेसेस होती है। अपन टीएसए निकालेंगे, टीएसए में मतलब टोटल सरफेस एरिया, जितनी भी उसके अंदर सरफेसेज है, क्यूबॉइड के अंदर जितनी सरफेसेज है उन सब का अलग अलग एरिया निकाल के एड कर दो, क्या जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। इसी तरीके से अपन निकालेंगे, ये मैं मान लेता हूँ एल है, लेंथ ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है, ऐसे ही ये हो जाएगी इसकी हाइट, ये विड्थ, ये लेंथ। अब अपन इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। सबसे पहले इसका जो टॉप है उसका एरिया निकालते हैं। टॉप क्या है, जो टॉप है वो एक रेक्टेंगल शेप में है, जो इसका टॉप है, जो टॉप है वो किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है। जो रूम है उसकी छत कैसे किस शेप में आती है, रेक्टेंगल शेप में। ये टॉप हो गया, इस क्यूबॉइड का टॉप है, टॉप रेक्टेंगल शेप में, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। इसमें से ये एल होगी और ये बी होगी, ये वाली एल और ये वाली बी, ये इसका टॉप है, इस क्यूबॉइड का टॉप है, ठीक है। इसका अपने एरिया कैसे निकालेंगे, जो रेक्टेंगल होता है इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रिथ, इसी फॉर्मूले से अपन इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया कितना आएगा, एल इनटू
ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यहां से अपने पास में आ गया l इनटू b, यहां मैं लिख देता हूं टोटल सरफेस एरिया। सो व्हाट में लिखा है TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ये हो गया इसका। तो अब देखो जैसे रूम, जैसा रूम का रूम की छत होगी वैसा वैसे उसका फ्लोर होगा, एंड रूम की जो छत है वो है एल इंटू बी, रूम का जो फ्लोर होगा वो भी क्या होगा एल इंटू बी, कितने एल इंटू बी भी हो गए, एक रूम की छत एक रूम का फ्लोर टू एल इंटू बी हो गए, यहाँ पे मैं क्या करूंगा टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अपने पास में रूम की छत और रूम की जो फ्लोर है यानी जो ट्यूबवेल का टॉप और ट्यूबवेल का बेस है, ट्यूबवेल का टॉप और ट्यूबवेल का बेस है उसका एरिया कितना आ गया टू इंटू एल इंटू बी, आ गया टू इंटू एल इंटू मैंने अपने पास कितनी फीसेज का एरिया आ गया टू का टॉप का और बेस का आ गया। अब हम चलते हैं साइड वाली जो साइड वाली फेस है उन पे, अब जो ये साइड वाली जो फेस है ये वाली ठीक है ये शेप में है, इस शेप में है साइड वाली रूम की जो साइड वाली दीवार होती है या फिर इस ट्यूबवेल की जो साइड वाली दीवार इस शेप में है, इसकी ये वाली साइड कितनी होगी ठीक है ये वाली कितनी होगी एच, ये भी आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा ठीक है, इसका एरिया कैसे आएगा रेक्टेंगल फॉर्मूले से लेंथ इनटू ब्रेथ कितना आ जाएगा डी इनटू एच ठीक है, इस वाली फेस से कितना एरिया आ गया डी इनटू एच। अब जो फेस एस यहां पे वो की वो फेस इधर भी होगी, आमने सामने जो दोनों फेसेस क्या होती है सेम होती है, ये वाली फेस और ये वाली फेस सेम है, कितने हो गए टोटल टू, जो रूम होता है उसके आमने सामने की जो दीवार होती है सेम होती है, तो ये जो रेक्टेंगल है इसकी ये वाली फेस और ये वाली फेस दोनों सेम है, अपने पास कितनी डी इंटू एच हो गई टू, टू इंटू डी इंटू एच, इसको मैं अपन इसमें एड कर देते हैं टू इंटू बी इंटू एच प्लस। अब कौन सी बची एक तो रूम के पीछे वाली दीवार ये वाली और इसके सामने वाली दीवार, तो ये किस शेप में है ये अपने पास में है, जो रूम की पीछे वाली दीवार है वैसे वैसे उसके सामने दीवार होती है, कितने हो गए टोटल टू एल इंटू एच, यहाँ पे टू से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे टू इंटू एल इंटू एच ठीक है। अब इस फॉर्मूले से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लो, यहाँ से इसमें टू आ रहा है और टू आ रहा है, टू को बाहर निकाल लो आगे बाहर ठीक है, जो बचा उसको ब्रैकेट के अंदर रख दो, यहाँ पे क्या बच रहा है एल भी बच रहा है ये हो गया एल प्लस, यहाँ पे क्या बच रहा है बी एच यहाँ पे लिख दिया बी एच, यहाँ पे क्या बच रहा है एल एच यहाँ पे लिख दिया एल एच ठीक है, यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, देखो यहाँ पे एरिया है टोटल सरफेस एरिया, एरिया जहाँ पे भी आता है इसका मतलब इसकी जो यूनिट आएगी वो स्क्वायर यूनिट होगी, इसकी यूनिट क्या जाएगी स्क्वायर रेक्टेंगल शेप से मिलके बनता है, क्यूबॉइड के अंदर सिक्स फेसेस होती है और क्यूबॉइड के अंदर 12 एजेस होते हैं ठीक है। अब इसका अपन टीएसए निकाल रहे हैं, ये के लिए अपन ने इसको लेंथ मान लिया, इसको विड्थ मान लिया, इसको हाइट मान लिया, सबसे पहले अपन इसके टॉप की जो टॉप और बेस का एरिया निकाल लिया, टॉप पे रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, इसकी लेंथ एल है विड्थ बी है, तो एरिया क्या हो जाएगा एल इंटू बी, जैसा टॉप है वैसा का वैसा इसका बेस होगा, तो एल इंटू बी आ गया अपने पास में, एक तो टॉप एक बेस तो टू एल इंटू बी हो गया ठीक है। उसके बाद अपन ने साइड वाली दीवार का एरिया निकाला है बी इंटू एच, कितने बी इंटू एच हो गए टू बी इंटू एच हो गए, एक ये वाला बी इंटू एच एक ये वाला बी इंटू एच, यहाँ पे लिखे टू इंटू बी इंटू एच, सिमिलरली एक पीछे वाली दीवार एक आगे वाली दीवार, तो पीछे वाली दीवार क्या हो गया एल इंटू एच,
आगे वाला डिवाइड क्या हो गया एल इन टू एच, तो कितने एल इन टू एच हो गए टू एल इन टू एच। यहाँ से अपन अपने पास यही चीज आ गई, यहाँ से अपन ने इसको टू को कॉमन निकाल दिया, बचा जो लेकिन के अंदर लिख दिया। यहाँ पे अपने पास बचा एल बी, यहाँ पे बी एच, यहाँ पे एल एच, तो एल बी बी एच और एल एच क्या आ गया अपने पास में टोटल सरफेस एरिया होते हैं क्यूबॉइड। इसकी यूनिट क्या होती है स्क्वायर यूनिट।